गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कनॉट माता से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। अभी हम रास्ते में पाई मिले थे तो पाई से लिफ्ट मांगी, धन्यवाद है भाई आपको। कार्ड हमने बनवा लिया था। ये भाई लोग गुजरात से, कहाँ से हो भाई? छोटा उदयपुर। तो भाई साथ में जा रहे हैं सभी बॉर्डर देखने भारत पाकिस्तान का। तो ये सभी मिल गए थे हमें वहीं पे, ये भी कार्ड बनवाने के लिए वहाँ वेट कर रहे थे। अपन ने कार्ड बनवा लिया था, मैंने कहा साथ ही चलेंगे, साथ ही घूम के आएंगे। तो कितने जने हैं अपन? 9 जने। पहुँच के पाकिस्तान भारत बॉर्डर और यहाँ पर पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की है। अभी चलते हैं अंदर। अभी बॉर्डर पे पहुँच गए, ये वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। एंटर कर लिए और अभी सामने ही वो टॉवर है, वहाँ पर ऊपर चढ़ के आपको नज़ारे दिखाते हैं पाकिस्तान और भारत बॉर्डर के बीच का। तो चलते हैं। अभी मैं जिस दोस्त का इंतजार कर रहा था वो अभी आ गए। ये देखो SPT व्लॉग है, ये भी यूट्यूब पे भाई वीडियो बताते हैं। तो भाई अब साथ में ही ट्रेवल करेंगे कुछ दिन, अभी साथ में चलेंगे, चले जाएंगे घर। जब तक रहेंगे साथ में अपना वीडियो बनाएंगे, साइकिलिंग साथ में करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। लेके जा रहे हैं, हम इंडिया में खड़े हैं और ये सामने बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये तार बंदी की हुई, उसके पीछे पाकिस्तान है। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ये भी वाच टावर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो दिख रहा है ना आपको दिखाते हैं, वो जीरो लाइन की जो टावर है और यहाँ से हम सीमा देख सकते हैं दोनों देशों के बीच की। प्रोग्राम वगैरह रखने के लिए ये बनाया गया, अभी काम चालू है और सामने पार्किंग है और ये वॉच टावर है। अच्छा नज़ारा है यहाँ का और पीछे वो जो वॉच टावर दिख रहा है वहाँ से पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर देखा है हमने। और अभी नीचे आए और ये ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होगा आर्मी का तो हम देख सकते हैं। किस्मत अच्छी थी जो कि बॉर्डर देखने को मौका मिल गया, यहाँ तक आए थे साइकिल लेके, आने अलाउड नहीं किया। और पास बनाने के लिए मैं गया था, फिर मतलब दूसरी गाड़ी के लिए बनाया था मैंने, तो वो लोग कैंसिल कर दिए। तो फिर दूसरे एक भाई थे जो कि गुजरात के छोटे उदयपुर नाम के ज़िले से, तो उन्होंने हमको लिफ्ट दे दी और हम यहाँ पर आ गए। देखने का मौका मिला बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। ये बॉर्डर वगैरह सब पूरा देख लिया है अंदर जाके, और वहाँ के जो आर्मी भाई थे वो बोल रहे थे कि सारी की जो भी बॉर्डर की तार बंदी वगैरह फेंसिंग की हुई है
वो सब अपनी है, पाकिस्तान का कुछ नहीं है, वो खाली ऐसे बैठे हैं, मतलब गरीब देश है, उन्होंने बताया। और जब भी मतलब कोई मतलब त्यौहार वगैरह होता है, जैसे 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, 17 अगस्त को उनका आज़ाद हुआ, तो आमने सामने आके मिठाई वगैरह देते हैं यहाँ पर, उन्होंने बताया। और यहाँ पर मतलब एक फेंसिंग अपने भारत में की हुई, और 150 मीटर आगे और एक फेंसिंग की हुई है बॉर्डर की, जो कि पाकिस्तान, उसके आगे पाकिस्तान का एरिया है। निकल गए अभी, और अभी हम जा रहे थे, वापस जा रहे गाड़ी में, और भाई के साथ में जाएंगे तंदौट माता। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर आर्मी के रहने के लिए बंकर बने हुए थे यहाँ पर, ये पीछे है, और भी है बहुत सारे बनाए हुए रहने के लिए आर्मी भाई के, अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा। ये देख सकते हो पूरा, अभी अंदर तो कोई नहीं रहता है, ऐसा था पूरा।